जागो, आज का शीर्षक है जागो। बहुत सो चुके, जितने भी कोई अगर सही आदमी दिखाई पड़ता है, कोई भी हो, साधु हो, संत हो, नेता हो, जो सबकी पीड़ा समझे, जो जन जन की पीड़ा समझे, जो हर कोने की पीड़ा समझे, उसे महात्मा मानो, उसे नेता मानो, उसे संत मानो। तो जो केवल भगवान से संबंध रखता हो, उसको तो भगवान के पास भेज दो, उससे प्रार्थना करो कि भैया तुम वहीं चले जाओ, तुम धरती के बोझ न बनो। जब तुम किसी के काम ना आ सके, तुम्हारे एक जानवर में अंतर क्या है? चुप चुप हो गई। है ना मनोरम दृश्य। आप भी अपने आसपास बना सकते हैं, लेकिन आप पूजा करते हैं बैठ के। अच्छा, पूजा से मिले भगवान आज तक किसी को? मिले तो सबके दिमाग में बस पूजा। अरे पूजा का मतलब एक मक्खनबाजी, खुशामद है। क्यों खुशामद करते हो? क्यों खुशामद करते हो? काम करो, काम करो। कौन काम करो? प्रभु का काम करो। काम करो, उसको भी मजा आता है। काम करो। कोई दिखी, कोई दुखी हो, विधवा हो, बच्चे हों, अनाथ हों, हैं, दुखी हो, मनुष्य हो या पशु, अरे उसकी सेवा करो जाके, उसकी सेवा करो। बस भैया, अब कहाँ तक तुमसे आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, कहाँ तुम कंठ कोकिला और कहाँ ये कौआ है। तो आंसू पूछो जाके, जितनी तुम सेवा करो। बहुत से महिलाएं फ़ोन करती हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरी मनोकामना कैसे पूर्ण हो, मेरी, मैं बहुत दुखी हूं। अरे भैया क्यों दुखी हो? काम करो प्रभु का। अगर कोई तुम्हारा कोई प्रियजन संसार छोड़ के चला गया है, उसको तुम जितने रोगे ना, उतनी उसकी आत्मा रोएगी वहाँ पर। रुलाई आवे उसको रोको, उसके नाम से पुण्य करो, खूब पुण्य करो। पुण्य पुण्य करने में कोई पैसे की जरूरत नहीं है, समझ गए? यह हमारे बाबाओं ने फैला रखा है, पुण्य करने में कोई पैसे की जरूरत नहीं है कि आप पैसा खर्चा करें, कोई जरूरत नहीं है कि पैसा खर्च करो। पैसे से न भगवान मिले हैं, कभी न मिलेंगे। कान खोल के सुन लो, पैसे से भगवान नहीं मिलते हैं। बहुत से लोग हमसे कहेंगे ये है वो है, मैं किसी को सही रास्ता बताता हूँ तो एक बार बता, मैं बुरा न मानिएगा आप लोग, ये ज़माना जानते हैं, हैं? यहाँ बेशुमार झूठे, मक्कार, फरेबी, स्वार्थी भरे पड़े हैं हमारे समाज। उनको सच्चा आदमी नहीं दिखाई पड़ेगा। जो विनय पांडे ने कहा कि आज के ज़माने को, अंधे समाज को मसालेदार बाबा चाहिए। झूठा हो, फरेबी हो, बेवकूफ बनाने की कला उसमें हो, पीला कपड़ा लाओ, लाल कपड़ा लाओ, इसने लाख पाठ करेंगे। अच्छा, तुम्हारे इतने लाख पाठ करने से क्या होगा? वो आदमी की मृत्यु नहीं होगी? तुम भी अपने बाप को बचा लिए होते।
अकेले एकदम से, जितना आप देख रहे हैं सब अकेले। इसलिए कोई टीका टिप्पणी करता है ना, तो मंत्र यही करता है कि उसके मुंह में दोनों तरफ ऐसे हाथ लगा में और धर के जबड़ा उसका फाड़ दें। इतने जूते मारे, इतने उनको गिरा गिरा के मारे, पूछे भाई कुत्ते की औलाद, ये तुझको नहीं दिखाई पड़ता है कमीने गंदे खून वाले हैं? टीका टिप्पणी करते हो तो कोई नहीं दिखाई पड़ता है। ये पूरे वर्ल्ड को आज एक आदमी ने चैलेंज कर रखा है, हैं? एक कैसे लोग जुड़े हो। इसी से कबीर वाणी याद आती है, यह जग अंधा और कई समय अंधा जमाना। किसी को सीधी सीधी बात बताओ समझ में नहीं आएगा, ना 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 ना। मैं 80 साल की उम्र में मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया वालों किसने क्या किया और क्या हुआ, क्या करने से क्या क्या होता है हमसे पूछो। क्या फ़ायदा वो कि तुम एक रुपये मारो किसी का, बदनाम बदनाम अलग से हो गए, ठीक एक कहानी बन गई जब तक तुम जिंदा रहोगे। जो जिन लोगों ने हमारे साथ घात किया है, जय हो, ठीक है। बस कृपा है आप लोगों की, प्रेम आप लोगों का हमको मिलता रहे। आप लोग भैया, आप लोग अब देखो समाज को जगाओ, सरकार को जगाओ, सरकार में बैठे लोगों को जगाओ, कोई हो। एक बाबा कुछ मांग नहीं रहा है, अगर वो आपसे कहीं कई गुना ज़्यादा सुपर काम कर रहा है तो उसको नेताओं पहचानो, वरना तुम फिर देश के आगे बोल नहीं पाओगे। अरे नेताओं, एक आदमी है जो तुमसे हजार हजार गुने ज़्यादा आगे काम कर रहा है, इसके लिए आप लोग तो लिख ही सकते हो, तभी हम समझेंगे कि आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, तभी हम समझेंगे कि आप हमको दिल से चाहते हैं। और बाकी भैया, तुम नहीं भी प्रणाम करोगे तो हमारे लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम बताएं, हम तो एकदम मरे हुए, हम जबरदस्ती जिंदा बैठे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भैया, जागो, आंखें खोलो, सोचो ये आदमी कौन है, क्या कह रहा है, क्या चाहता है। अब तक 50,000 लोग, 53,000 लोग जो हमसे जुड़े हैं, काश इतनी अगर वो कृपा किए होते कि मोदी जी के पास, योगी जी के पास एक मैसेज जरूर भेज देते आप, तो बड़े पुण्य के भागीदार होते, हमें बड़ा अच्छा लगता और हमारा आशीर्वाद भी आपको लगता। हमें न प्रणाम करो, हमारे कार्यों को प्रणाम करो, बल्कि मेरे कार्यों का आप प्रचार करो। सरकार में बैठे लोग बड़े पावर वाले होते हैं साहब, इनको लिखिए कि साहब, साफ साफ लिखिए कि नेताजी माफ़ कीजिएगा, इस आदमी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, चाहे आप ही क्यों ना हो। क्या आपकी निगाह इस आदमी पर पड़ी? क्या इस आदमी के लिए आपने कुछ सोचा? हमारे बारे में कोई पैसा रुपया मत भेजो, केवल हमें दूरदर्शन पर बुलाया जाए, हर दूरदर्शन के सारे टीवी चैनल जो जितने हैं वो सब पर हमारे संदेश को दिखाया जाए। मैं जो इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ा रहा हूँ ना, और करके दिखा रहा हूँ, ऐसा पाठ पढ़ाने वाला अभी फिलहाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और अगर नेताओं अगर हुआ है तो ज़रा दिखा दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए ना टीवी पर, भाई आपके तो कारिंदों की कमी थोड़े, आपके तो जयकारा लगाने वाले करोड़ों में हैं, उसी की ड्यूटी लगा दो, इस बाबा को दिखाओ। कोई हमें सिखाएगा तो हम अपना उसको गुरु मानेंगे। जैसे एक साहब ने कल पूछा, बाद में हमने कि गुरु जी आपने किसको गुरु माना है? अच्छा सवाल, कुछ लोग रोचक सवाल करते हैं। मैंने गुरु माना है मालूम किसको? सिर्फ चार अक्षर को, और ये चार अक्षर के नाम में ही सारे देवी देवता रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, मजहब के हों, कोई भी हों। चार अक्षर के अलावा पांचवें में
परमेश्वर मिल जाएंगे, सारे ईश्वर वहीं मिल जाएंगे। चार अक्षर का नाम जो जानते हैं, हमने कई बार कहा है, माँ न व ता, मानवता, माँ न व ता। आज आम की कुछ आम के वो आम आम दिखा दें, थोड़ा हिलेगी पिक्चर, लेकिन चलो हिलने दो, थोड़ा हम आम्रपाली आम दिखा दें आपको। देखिए कोयल बोल रही, कोयल अगल बगल क्यों रहती है? देखिए अंगूर का गुच्छा आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ये हरा हरा सा अंगूर, देखा आपने यह हरा हरा सा अंगूर? हमको तो इसमें दिखता नहीं लाइट की आगे। देखिए आप ये हरे से अंगूर, छोटे छोटे से अंगूर की बेल, सब झाड़ी अगर अकेले। इसीलिए मैं कहता हूँ इतना काम इतना काम इतना काम करते करते अकेले सब करके दिखाया, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी अकेले घोषित करवाया। अरे हिंदुस्तान के लोगों कहाँ चुप बैठे हो, पूछो बड़े बड़े नेताओं से, सवाल करो उनसे। देख रहे हैं आम्रपाली आम है, आमों का राजा। उधर वो क्या नाम वो हो गया कमरक, इधर ये केला है, देखिए इसकी बोरी ओढ़ा दिया है, वरना चिड़िया काट काट के ख़राब कर देती हैं। ये छोटा वाला केला है, ये आम्रपाली आम को आप करीब से देख रहे हैं। ठीक, ये अंगूर की बेल है। तो मैं अब चूँकि मैं धूप में खड़ा हूँ ना भैया, तो इसलिए आप लोग कुछ लिखेंगे, उधर ध्यान नहीं जा रहा है, तो हमारी आवाज़ तो आपको मिल ही रही होगी। तो यही आप लोगों से कहना है कि भाई देखो कुछ करो, करने के लिए आए हो, समय तेज़ी से निकलता जा रहा है। ये बंद करो ये सब माँ झोले में हाथ डाल के सटकाए दे रहे हैं, भगवान पूजा से नहीं मिलेगा, ये करयुग है, करयुग युग के हिसाब से चलिए ना भाई। हैं क्यों जाड़े में आप कोट और स्वेटर पहनते हैं, मफलर बांधते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि मौसम बदल जाता है ना, तो युग बदल चुका है, आप कहाँ धोखे में पड़े हैं। ये बाबाओं की मत दीजिए, सुनो ये बाबा वह बाबा, ये बाबा किसी बाबा से पूछो, ये बाबा ये नेता, जो कुछ गीता में लिखा हुआ है क्या हुजूर आपने कभी किया है? नहीं किया है, तब जाओ श्याम साधु के चरणों में गिरो जाके, सीखो उससे, वो करके दिखा रहा है, और करके दिखाने में पूरी जिंदगी लगा दिया है। आप नहीं बोलेंगे माफ़ कीजिएगा, विदेश वाले आपको भी कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, जो जिसको कोल बोलते हो ना हमारा दुश्मन हो ये वो, यहाँ कोई बोलना ही नहीं जानता। नहीं, हमारे देश में जो जो हो रहा है ना, हम दुश्मनों को हुस्का रहे हैं, उनको हम बोलने का मौका देते हैं। जय हो। तो आप लोग भैया हमें ना प्रणाम लिखें ना आप हमारी तारीफ करें, आप लोग केवल यहाँ के नेताओं के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनको आप मैसेज भेजिए, भेजते रहिए भेजते रहिए, आप भेजेंगे और वो भेजेंगे, फिर वो भेजेंगे तो तीसरे नंबर वाले भेजेंगे। अरे भाई मैंने कई बार कहा है कि अगर कोई नेता हमें पहचान जाता है तो हमें उससे कुछ नहीं मांगना है, जिस दिन मैं मांगूँ उस दिन हमको गोली मार देना। हम बार बार यही कहते हैं कि थोड़ा सा प्रभु ने भैया हमको ज्ञान दिया हुआ है, समझते हो, तो प्रभु ने ज्ञान दिया है। क्या कौन सा ज्ञान है? कि अपनी मौत को मैं रोज देख लेता हूँ, आप भी अपनी मौत को रोज देख लें, परम ज्ञानी आप हो जाएंगे। अब जरूरत से ज़्यादा किसी की खुशामद भी नहीं करनी चाहिए ना, ये बहुत अंधा समाज है। हम तो चाहते हैं कि भाई हम किसी की बड़ाई करेंगे तो उसका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन ना, ऐसे लोगों के अंडे चढ़ जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं इनके, छोड़ो। कई लोगों ने कहा बाबा आप राजनीति की बातें न करो, हम क्या क्या करें भैया, अब कोई काम मान लीजिए हम 44 साल से अन्न नहीं खाए, अब कोई बूचड़ खाना बंद करवा देगा तो उसको तो हम भगवान मानेंगे ना। अब लोगों ने कहा क्या है वो, कभी भगवान ने आपको जानने की कोशिश किया? कभी उन भगवान के कारिंदों ने आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई? क्या आपकी उन्होंने कोई कष्टों या पीड़ा को
पूछा, हमने कहा ऐसा तो नहीं हुआ। तो कहें फिर आप क्यों नाम जपते हैं किसी का? हम कहा साहब मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, हम भगवान के यहाँ जवाब देंगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि जिस नेता ने गोहत्या बंद करवाई थी उसके लिए आपने कौन सी आवाज़ उठाई, उसके लिए आपने क्या किया। मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होने वाला, चाहे कोई नेता मुझे पहचाने और चाहे ना पहचाने, लेकिन आने वाला कल उनके ऊपर उंगली तो जरूर उठा देगा। मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी हो, अगर आप महान हैं, आप बड़े हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लाइव करें, यूट्यूब के बारे में नहीं पता सबको। हाँ भैया, फिर आपने लिखा है आप फेसबुक पे लाइव करें, यूट्यूब के बारे में नहीं पता सबको। हाँ पंडित जी, अब देखिए आप हमारे शुभचिंतकों में से हैं तो आपने हमको राय दिया। अब देखिए फेसबुक के बारे में भी हम अभी नाती आया हुआ, उसे पूछेंगे कि भैया फेसबुक पर कैसे करें। एक काम ये किया करेंगे कि हम एक टाइम फेसबुक पर कर देंगे। हाँ, एक टाइम फेसबुक पर आएंगे और एक टाइम हम यूट्यूब पर आएंगे, है ना पंडित जी? तो अरे आप लोगों को भी तो मौका मिलता है एक बार भाई, जब पुलिस वालों पर आप लोग ईंटें ईंटें बरसाते हो तो बड़े खुश हो जाते होंगे, क्यों उनका काम है पिटाई करना, उनके इतना अधिकार है कि वो आपको पीट के मार भी सकते हैं। तो आपको भी अधिकार होता है ना, जब तो आप भी बड़े ढेले बरसाते हो, हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है ये, देश जिससे देश कमज़ोर होता है, लेकिन चलो अब जिस जो जहाँ जो रिवाज है तो है तो है। क्या आतिशबाजी से किसी पार्टी की सरकार क्या आतिशबाजी बंद करा पाई, किसी भी पार्टी की सरकार पॉलीथीन बंद करा पाई? नहीं बंद करा पाई। कितने जानवर पॉलीथीन से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, दोषी जनता ही दोषी है। मैं किसी बाबा को, मैं किसी नेता को दोषी नहीं मानता हूँ। दोषी है जनता, पूरी देश में नहीं पूरे विश्व में श्याम साधु को ले करके घर घर चर्चा हो जानी चाहिए थी। कितने लोगों ने कहा कि ऐसा बाबा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, कितने लोगों ने कहा, पढ़े लिखे लोगों ने कहा। तो अगर घर घर मेरी चर्चा हो तो हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। जिस दिन हमने मांगा, मैं कबीर विचारधारा का हूँ, जितने कबीरपंथी हैं क्या उन्होंने हमको मोबाइल किया? जितने धार्मिक नेता हैं कभी उन्होंने मोबाइल किया? जितने धार्मिक के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बैठे हैं क्या उन्होंने मोबाइल किया? तो उनके ऊपर दुनिया वालों, जनता के लोगों, उंगलियां उठाना शुरू करो ताकि उनमें कुछ सुधार आ जाए। जो कोई भी प्रतिभाएँ हों, बहुत सी प्रतिभाएँ दबी पड़ी हैं, जोग जुगाल से लोगों को सम्मान दिया जाता है, जोग जुगाल से लोग ऊंचे तक पहुंच जाते हैं, सब आप जानते हैं। तो आप लोग बोलना सीखो अब, अरे हिंदुस्तान के लोगों जागो, आज का मेरा शीर्षक यही है, बोलना सीखो। ये नहीं कि आप मेरी सिफारिश करें मेरे बारे में कहें, नहीं, इस मुद्दे को उछालो। दो आदमी शुरू करोगे तो कल को चार हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे। अरे भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे कुछ करें काम, है ना? सब लोग लिखते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, अरे बहुत राम राम जप चुके हो, अब कुछ करो काम। जैसे हमारे देश में शुरू हुआ है काम, अब शुरू हुआ है काम, हो रहा है, लेकिन नहीं, उसको और थोड़ा उसको गति दे रहे हैं आप। हम इस संसार से विदा होने के पहले हम देश को बहुत मजबूत देखना चाहते हैं। बस हमने कई बार कहा
कि हमारी कोई भी समस्या है, कोई नेता सुने चाहे न सुने, वो मेरी मदद करे और चाहे न करे, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अगर वो नेता हम अपने कर्तव्यों से, उसका भी कर्तव्य है कि देश के अंदर को कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन ऐसा महारथ है हमारे देश में जो आज वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। यहाँ तो सारे नेताओं को तालियां बजानी चाहिए, हर पार्टी के नेताओं को तालियां बजानी चाहिए। इसलिए नहीं बजाते हैं कि जनता अंधी है, जनता है कि बोलती नहीं। जनता बोलने लगेगी ना तो नेता, कोई नेता हो, औकात में आ जाएंगे, नींद उनकी हराम हो जाएगी। जनता है कि बोलती नहीं। बस अब देखिए आ रहा बाबा जी प्रणाम, बाबा जी जय श्री राम। मैं कहता हूँ अरे भैया करो काम, देश के लिए काम करो, देश के लिए, देश के लिए कोई त्याग कर रहा है, देश के लिए कोई बड़ा काम कर रहा है, उसको आगे लो, उसको उसी को गुरु बनाओ। लेकिन उसको गुरु बनाते हो जब तुम्हारी बहन बेटी को बुलाता है, वो अपने आप को भगवान बताता है। अरे भगवान बताने वालों, ज़रा जाओ, ज़रा हिम्मत करके दिखाओ, किसी मंदिर में ताला लगवा सको। मैं तो कहता हूँ जिस भी मंदिर में दुआ ताबीज बेचे जाते हों, जिस मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती हो, मैं कहता हूँ कि अरे वहाँ के पुजारियों, आप एक हफ्ते के लिए, आप तीन दिन के खाली बंद करके देखो, नहीं हमें पहले से सूचित कर दो। अगर तीन दिन में या एक हफ्ते में कुछ कोई वहाँ कोई गतिविधि नहीं अगर हुई, तो फिर मेरे कहने से वहाँ बलि देना बंद कर दो। यही मैं हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ। सनातन धर्म के होते हुए ये तुम कत्लेआम करते हो, दूसरे जात वाले को, आप धर्म वाले को बदनाम करते हो। अरे वो तो बदनाम है ही है, वो तो कर ही रहा है, आप तो अपने आप को सुधारो। हम मांस नहीं खाएंगे तभी तो हम किसी को मना करेंगे, मांस खाने के लिए रोकेंगे, समझाएंगे। जब हम ही मुर्ग मुसल्लम बैठ के तेलेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। अगर हम आपसे पैसे लेंगे तो फिर बोल नहीं पाएंगे। कोई भी नेता कुछ लेता कि नहीं लेता है, हर नेता लेता है। राम साधु ने क्या लिया आज तक? गलती आपकी है, जनता की गलती है जो इस मुद्दे को उठाती नहीं। अब इतना हमने लाख समझाया, फिर शाम को फोन आएंगे इसके ऊपर, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। मैं बाबा जी को प्रणाम मत करो, बाबा जी के लिए करो काम, ताकि बाबा जी की ताकत बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम जगा के भारत की शान बढ़ा करके देश से हम विदा होना चाहते हैं, संसार से। अकेले दम से देख रहे हैं, कहीं कोयल बोल रही, चिड़िया बोल रही है, पशु सब पक्षियों की आवाज़ आ रही, कहीं अंगूर लगा है, कहीं केला लगा है, कहीं आम लगा हुआ है, कहीं चीकू लगा है, पूरी गार्डन में अगर हम इसको लेके घूमें, कहीं कमरख लगा है, कहीं अंजीर लगा है, अकेले दम से। इसी को देखने के लिए तीन जिलाधिकारी आए हमारे यहाँ, देवेंद्र नाथ दुबे, महेंद्र कुमार जी, और एक सरदार जी थे गुरु गुरचरण बख्शी। मैं पत्नी के वो लोग आए, सोचिए तीन जिलाधिकारी हमारे कार्यगुजारी को देखने आए। कोई नेता आया मेरे यहाँ? नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, वो नेता जी छोटे हो जाएंगे भाई, अब वो लोग बड़े प्रूफ भी होते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल को कोई उंगली उठेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। महाराज ये जनता ही दोषी है, अब हम नेताओं को दोषी नहीं कहेंगे, जनता दोषी है। कोई नेता नहीं आया ना ईर्ष्या के मारे, अरे ये सब ससुरा हमसे जाके निकल गया यार, हम लोग तो कुछ दे के काम करते हैं तो कुछ लेते ही नहीं, ये अपना ही सब कुछ गंवा करके काम करके दिखाया है, आज दुनिया के सामने वो ललकार रहा है। देश हमारा चलेगा, आगे बढ़ेगा,
सात जन्म नहीं पड़ेगा, नोट करके रख लो। जहाँ इस तरह अनदेखी की जाएगी, सुखदेव और उनको भगत सिंह को फांसी से तो बचाया जा सकता था, आजीवन कारावास हो सकता था। सुभाष चंद्र जी की इसलिए सौदा किया गया था। आज क्या हो रहा है? आज श्याम साधु के साथ ही अनदेखी की जा रही है। श्याम साधु को महिमा मंडित नहीं होना है 80 साल में। क्या अब नेताजी हमको पहचान जाएंगे तो हमको महिमा मंडित होगा, हमको कोई पद मिलेगा, चूल्हे भाव में जाए पद व पैसा? हमारी सीट वहाँ रिजर्व हो चुकी है अपने आप है, मेरे कर्मों से। अतः मैंने सीट सीना ठोक के कहा है मैंने, और दुनिया के सामने कहा है। जिसको धर्मवीर गोस्वामी अमेरिका वालों बहुत प्रसन्न हुए, कहें चलो महाराज भारत में ऐसा कोई है तो। जब सीना ठोंक के कहता कि मैं वहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा, शास्त्र वेद पुराण भागवत सब जो लिखा है उसको उठाओ देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिस काम को नहीं किया, बड़े बड़े संतों ने जिस काम को नहीं किया, उस काम का अंजाम श्याम साधु ने सबके सामने लाके दिखा दिया। कितनी अलौकिक घटनाएं हुई हैं। मैंने चैलेंज किया कि क्यों नहीं इसके ऊपर सोच किया जाता, क्यों नहीं इसके ऊपर रिसर्च किया जाता। हाँ, जब मेरे मरने के बाद फिर धंधा चालू हो जाएगा, कि ना मालूम कितने हमारे भगत होंगे। जैसे निराला जी थे, लोग बताते हैं कि वो गवाह के अभाव में मर गए भूख से। राज उनके नाम से क्या नहीं हो रहा है, धंधे चल रहे हैं बड़े बड़े लोगों के। यहीं रायबली जिले के थे वो, हजारों लोग इस बात को कहते हैं कि वो भोग से मर गए। आज भी वही हो रहा है, अपनी सोच को बदलो, वरना जो चंगेज खान ने इतनी भद्दी गाली दी थी कि बाप रे बाप, तुरंत उस आदमी की पकड़ धकड़ होनी थी, कितनी भयानक। तब एक साहब ने कहा कि चंगेज खां वो हिंदुओं को जगा रहा है, बड़ी अच्छी बात कही। अरे बताओ सरेआम इतनी भयंकर और भद्दी गाली, जो देश का शत्रु हो, देश का दुश्मन हो, जिसको देश से प्रेम न हो, और यहाँ के लोगों को जनता में माँ बहनों को भद्दी भद्दी गाली दे। एक लोगों ने कहा है कि जगा रहे हैं, तो हम कहते हम क्यों जगाने का काम करें? क्या अंधी है जनता, सो रही क्या? जब तुम्हारी तकदीर सो रही तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन नहीं, हम यही देखते हैं चलो मेरा फर्ज है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना फर्ज निभाओ। मेरे बारे में आप कुछ भी न कमेंट लिखो, मेरे बारे में आप तर्क उठाओ, आवाज़ उठाओ, क्वेश्चन करो। कोई भी सरकार हो, जो सरकारें बीत गई हैं तो और ज़्यादा गुनाहगार हैं, उनसे सवाल करो। क्यों साहब मैदान में आए हैं वोट मांगने के लिए, लाम बंद हो करके विश्व को चैलेंज करने वाले एक आदमी को जिसने तुम्हारा भला चाहा था, अपने स्वभाव से उसको आपने कभी पहचाना? या देश के सिरमौर को, जो देश की आबरू को बढ़ाता हो। इसलिए मैंने कई बार कहा कि पूरे देश को एक बार मोदी योगी के पीछे खड़े हो जाओ, देश को मजबूत बना लो, उसके बाद फिर बंटवारा कर लेना कि हम ये पार्टी के, हम उस पार्टी के हैं। मैंने गलत नहीं कहा था, मैं मोदी और योगी जी का एक गिलास पानी नहीं जानता, मैंने उनके चरणों में मिट्टी छुआ के मांगी थी, वो तो हमको मिला नहीं आज तक। किसी चीज़ की हद होती, इसीलिए हमने मांगना ही अब बंद कर दिया। हम कहा छोड़ो, बहुत ज़्यादा किसी के भाव नहीं बढ़ा देना चाहिए। अरे होंगे आप कोई हो, हमको आपसे कोई लेने नहीं, अब दुनिया हमको देख रही। जिस दिन हमारा जन्मदिन होगा उस दिन दुनिया के कितने देशों में लोग हमारा जन्मदिन मनाएंगे, उससे बड़ा पुरस्कार, उससे बड़ा अवार्ड, उससे बड़ा सम्मान, उससे बड़ी दौलत और क्या हो सकता है, क्या होगी? इसे आगामी 2 जून को अब बहुत आसानी से लोग मनाएंगे। हमने सब, कल एक लड़की बेचारी थी, उसका नाम बड़ा अच्छा सा था, उसका नाम बड़ा अच्छा सा था,
उसकी कोई उसका कुत्ता मर गया था वहाँ जालंधर की, बड़ा अच्छा सा नाम था उसका। तो उसको भी मैंने वही बात बताई, उसका हौसला बढ़ाया हमने। तो हमारा मतलब है कि आप लोग अब बोलना सीखो, लिखना सीखो, देश के लिए कुछ करें। अरे आपके आपके ओर से ही ये पीएम सीएमओ जितने बनते हैं, सरकारें बदल जाती हैं आपके आपके कारण। कोई करे ना करे, आप तो कर सकते हैं, इसलिए मेरी प्रशंसा न करके मेरी तरफ से आवाज़ उठाओ, क्वेश्चन करो, बीती हुई सरकारों से पूछो, ए वोट मांगने आ रहे हो लाम बंद हो के, तुम अपने देश के सिर मोर क्यों नहीं पहचानोगे? जब एक मिनट तुम उसके आगे नहीं रुक सकते हो, एक मिनट, जिस आदमी ने 70 साल गुजार दिए हैं, जितना काम करके दिखाया है विश्व के हित में, उतने उसका 1/90 हिस्सा भी आपने नहीं करके दिखाया होगा। तो ऐसे लोगों को सामने लाओ, दुनिया के सामने लाओ, जैसे कुछ नहीं चाहिए। तो एक चीज चाहिए, को देश को मजबूत देखना चाहता है। गोहत्याएँ बंद हुई हैं तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। उसी खुशी में हमने कहा उन लोगों की चरण की धूल चाहिए। हम आज तक धूल नहीं मिला तो देखिए भैया, हम तो हर चीज़ को भूलते हैं, लेकिन फिर अंदर का जो ब्राह्मण तो है ना, वो जगह देता है। कि अगर असली ब्राह्मण है ना, वो देवताओं से भी नहीं डरता है साहब, इतनी उसमें क्षमता होती है। रावण के मरने के बाद ही भगवान लंका में घुस पाए हैं, जब जमीन पर गिर गया है। और अगर वो गलत काम न किए होता, तब सारे ग्रहों को उसने बसीभूत कर रखा। तो वाणी को मैं विराम दूंगा, शाम को मैं कोशिश करूंगा कि शाम को मैं उस पर मैं बोलूंगा फेसबुक पर, जैसा धमन पंडित ने कहा है। तो भैया आप लोगों से निवेदन, हमको तो बार बार कहना पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्या है हमारे देश में साहब, चाहे लोगों को जितना समझाओ, लेकिन जिसकी जो एक आदत है ना, वही बस बाबा जी प्रणाम, कोई बाबा को प्रणाम मत लिखो, नहीं कुछ ऐसे तर्क लिखो कि बाबा सुने तो बाबा को लगे कि कोई हमारी ओर से बोल तो रहा है, हमारी ओर से कोई आवाज़ तो उठा रहा है, हमारी आवाज़ को नेताओं के कानों तक तो भेज रहा है। अब यही सवाल, यही प्रश्न आने वाले समय में नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन जाएगा। क्यों, मैंने नेताओं में खास करके हमने देखा साहब, ये लोग चाहे जितना अच्छा काम है, लेकिन इन लोगों में पता नहीं अहंकार कहाँ से आ जाता है। अहंकारी इतना मत बनो। श्याम साधु ने आज वर्ल्ड को चैलेंज किया है, दुनिया में एक भी आदमी आवे अपने आदर्शों से, अपने कार्यों से, अपनी तपस्या से। देखिए जो कुछ नहीं लेता, मैं नहीं कहता हूँ, ये बुजुर्ग की कहावत है, जिसे कछु न चाहिए वही सहनसा है ना, जिसे बहुत कुछ चाहिए वही सहनसा, ये अंधी जनता उसको मानती है। जो विनय पांडे जी ने कहा कि न साले की न जीजा की, न जीजा की न साले की, हर बात मसाले की, खाओ मसाला मरो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हमारे संदेश को आप लोग आगे बढ़ाओ, मांगो मत किसी से, कोई खुशामद मत करो, हमने अपना फर्ज निभाया, उसको आप चाहे खुशामद कह लो, चाहे जो कह लो, हमारे भी अब स्वर बदल जाएंगे। बहुत करके देखा, छोड़ो, या कोई मूल्यांकन नहीं कोई करने, कब तक हम कर्तव्यों का पालन करेंगे? क्या सारे आदर्शों का कोई मैंने ठेका ले रखा है क्या? एक कहावत है ना कि मजा मारे गाजी मियाँ और धक्का सहे मुजावर, ये सब का ऐसे ऐसे कहने वाले होते हैं।
क्योंकि बातों में हंसी आती है, मजा मारे गाजी मियाँ और धक्का साहेब मुजावर आ गई घंटी देखे था कोई मतलब का है कि बेमतलब का है। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं भैया लाइव पर बोल रहा हूँ, आप लोग लाइव पर नहीं देखते हो क्या? हाँ तो उसको लाइव पर देखिए, यूट्यूब पर जो लाइव आता है ना। अच्छा नहीं नहीं यूट्यूब में देखा जो एक लाइव बोलते हैं उसको, मैं अभी मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बहुत से लोग हमको सुन रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी आप जान लीजिए। तो मैं अब कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ, आप दो मिनट के बाद हमको फ़ोन मिला लो, ठीक। हाँ मैं कहीं भाषण दे रहा हूँ, पूरी दुनिया के बहुत से लोग देख रहे हैं, तो आप भी उसको कोई से पूछो कि भाई लाइव क्या होता है। बाबा लाइव पर इस, अरे भैया आप लाइव आप लाइव पर अगर देखते होते तो अभी फ़ोन थोड़े मिलाते, अभी हम लाइव पर ही बोल रहे हैं, लोग हमको सुन रहे हैं। हाँ तो अभी आप रखिए, थोड़ी देर के बाद मिलाइएगा, बड़ी कृपा होगी। तो साहब ठीक, किसी का कोई सवाल हो तो हम ज़रा सब पढ़ लें, क्यों आंखों में धूप चमकती है ना, आज बहुत देरी हो गई, रात में बिजली थी ही नहीं, आधी रात के बाद से बिजली चली गई। किसी का कोई कुछ लिख के आ जाए तो मैं पढ़ लूँ, कुछ दिख नहीं रहा, तो लिख के आता है ना तो लगता है कि ये चल रहा है, और जब लिख के नहीं आता है तो लगता है बंद हो जाएगा, लेकिन लिख के नहीं आ रहा। हो सकता है साथ में जो डोंगल है, पावर हाउस है, वही बंद हो गया हो। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट मैं और देख रहा हूँ, भैया कोई तो लिखो, अगर आ रहा हो तो लिखो ना उसमें कि हाँ बाबा चल रहा है, कुछ भी लिख के ना आने से लगता है पूरा बंद हो गया है। हाँ अब लिख के आया, राम 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 राम, ठीक है साहब, राम 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 यादव जी, ठीक है। अब हमको अब इस समय बंदर के लिए निकलेंगे, सोचिए आप, अरे ये हमारी ज़िंदगी, इतना काम, इसीलिए मैं थप्पड़ मार देता हूँ किसी को मुंह पर, मैं तमाचा मारने की क्षमता रखता हूँ, आप कोई भी हो, तीन पांच करेंगे तो वो तमाचा हम मारने की क्षमता है, बातों का तमाचा, जो बातों से न मरा वो जूतों से क्या मरेगा। पूरी ज़िंदगी बीत गई करते करते करते, बताओ अब जाएंगे बंदर भोज के लिए, अब 10 किलो 20 किलो का बोझा लादे, हाथों में दर्द होने लगता है, ना कोई बाबा ना कोई आदमी ना कोई चेला, कुछ नहीं साहब, अब मैं आऊँगा, मैं वहाँ रहूँगा, मैं आपका गया करूँगा। अरे पहले अपने बाप की गया करो, पहले अपने बाप को पहचान लो। ठीक है साहब मैं रखता हूँ, जय श्री राम, राम राम जी, ठीक है यादव जी, वरुण यादव साहब, ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। अब वरुण यादव साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा वो लिखेंगे कमेंट, और लिख के हमको बताइएगा, आप लोग देखिए काम कीजिएगा महाराज, समझ गए, तभी हम आपके आपका काम करेंगे, हमको ना आपसे हम कोई मजदूरी चाहिए, ना हमें कोई फीस चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, सीधी सी बात। और रायबली मैं सबको बुलाता हूँ, भाई यहाँ आके देखो आकर के आँखों से, ठीक। मैं रखता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।